कांग्रेस में तानाशाही चलती है। कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, परिवार के हाथ ही कांग्रेस की कमान। इस पार्टी में केवल गांधी परिवार ही सर्वोपरि है, बाकी सब पर गुलामी की बेड़ियां पड़ी है। अक्सर विरोधी ये राग अराप कर कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हैं। पीएम मोदी तो इस आरोप के साथ नेहरू से लेकर इंदिरा और राजीव गांधी तक के कार्यकाल का बखान करते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी के नेता भी हमला बोलने से नहीं चूकते। यहां तक कि अब तो सोशल मीडिया पर गांधी परिवार को लेकर गुलामी बनाम आजादी का मुकाबला छिड़ गया है। कांग्रेस विरोधी इस मुकाबले को जीतने के लिए झूठी तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं। जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो राहुल गांधी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को तहजीब से जोड़कर राहुल पर तीखे तीर चलाए जा रहे हैं। सवाल संस्कारों पर है, तो आइए सबसे पहले उस तस्वीर का रुख कर लेते हैं जो गांधी परिवार पर गुलामी के आरोपों को देती है बल। तस्वीर में आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा राहुल गांधी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखकर यही कहा जा रहा है कि ये तस्वीर कांग्रेस के अभी के समय की गुलामी को दर्शाती है। आने वाले अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल वोरा श्रद्धा में राजकुमार के सामने झुक जाते हैं। उम्र और संस्कृति का कोई लिहाज नहीं है, बहुत ही घृणित। दरअसल ये पोस्ट मोतीलाल वोरा के अंतरिम अध्यक्ष बनने के कयासों के बाद से तेजी से फैल रही है। इसे @lakshmiSP ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। वहीं इसके वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने लिखा, देखिए श्री मोतीलाल जी वोरा, जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, राहुल गांधी जी से आशीर्वाद लेते हुए मोतीलाल वोरा 91 वर्षीय 49 वर्षीय से आशीर्वाद लेते हुए। देश की दुर्गति ऐसे ही चमचों और चमचा पसंद के कारण हुई, लेकिन जब हमने इस तस्वीर की पड़ताल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। असल में इस तस्वीर में मोतीलाल वोरा नहीं है, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव है। यह तस्वीर दिसंबर 2018 में भी वायरल हुई थी। उस समय यह दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में नवगठित कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में TS सिंहदेव शपथ लेने के बाद राहुल गांधी के पैर छू रहे थे, लेकिन वो पैर छूने के लिए नहीं बल्कि कोई सामान उठाने के लिए झुके थे। मगर उस वक्त भी सोशल मीडिया पर राहुल के संस्कारों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया था, और अब एक बार फिर तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर राहुल पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। राहुल गांधी बड़े बुजुर्गों का कितना सम्मान करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। संसद में भी उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक को सहारा देकर राजनीति में शिष्टाचार की अनोखी तस्वीर पेश की थी, जो सभी के लिए एक मिसाल है। लेकिन अब कुछ झूठी तस्वीरों के सहारे राहुल के आदर संस्कार को सम्मान से जोड़कर झूठ फैलाया जा रहा है, जहां एक तरफ भ्रम तस्वीर से है तो दूसरी तरफ गलतफहमी फतवे को लेकर है, जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया गया है। जी हां, सांसद नुसरत जहां के खिलाफ गैर मुस्लिम से शादी करने, सिंदूर लगाने पर दारुल उलूम द्वारा फतवा जारी करने का दावा इस कदर किया गया कि हर किसी ने इसे सच मान लिया और फिर जमात लग गई धर्म का बखान करने की, हिंदू और मुस्लिम को अलग बताने की। सड़क से संसद और सोशल मीडिया तक नुसरत के समर्थन में प्रतिक्रिया दी गई और दारुल उलूम की निंदा भी की गई। दरअसल TMC सांसद नुसरत जहां ने निखिल जैन से शादी की है, जो जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। शादी के बाद ही नुसरत हिंदू रीति रिवाज में सज धज कर संसद पहुंच गईं, जिसके धर्म के ठेकेदारों ने आलोचना की। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से बयान जारी किया गया, लेकिन उसे फतवा बताकर धर्म और कर्म की लड़ाई छेड़ दी गई। जब हमने फतवे की सच्चाई जानने के लिए पड़ताल की तो पता चला कि ऐसा कोई फतवा है ही नहीं, ये महज अफवाह है जिसे हवा दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को जागरूक करने का है, लेकिन इसका इस्तेमाल इन दिनों देश के सौहार्द को बिगाड़ने में किया जा रहा है, झूठ को फैलाने में किया जा रहा है, जिससे आपको बच के रहने की जरूरत है। सच और झूठ को पहचानने की जरूरत है, जो हम आप तक अपनी पड़ताल के जरिए हर बात पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।